की लिस्ट अब तक की बेस्ट सीरीज ब्रेकिंग बैड को इस लिस्ट में ऐड करनी थी तो भाई बाकी की सीरीज भी इस लेवल की होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लाए ऐसे ही 10 दुनिया के सबसे बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग वेब सीरीज, जो यकीन मानिए भाई इस लिस्ट की हर एक सीरीज से आप कोई ना कोई कैरेक्टर हमेशा के लिए आपके दिलों में एक फेवरेट जगह पर आ जाएगी, जिसमें बोनस सीरीज भी होगी। बस भाई ये वीडियो रेगुलर व्यूअर्स के लिए नहीं, क्योंकि आपने देख ही रखा होगा। और खुशी की बात है भाई, डाउनलोड लिंक के लिए आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नंबर 7 की सीरीज एक ऐसा जेल जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल से ही जेल में इंटरव्यू लेना है कि वो कैसे सोचते हैं, क्राइम करते वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सीधा फेस टू फेस इंटरव्यू करना है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2017 की टोटल 2 सीजन 8.6 आईएमडीबी रेटिंग क्राइम ड्रामा मिस्ट्री के साथ माइंड हंटर। स्टोरी भाई, दो एफबीआई एजेंट जो जेल के अंदर सीरियल किलर का इंटरव्यू करने जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि मर्डर करते वक्त इनके दिमाग में चल क्या रहा होता है, आखिर ये सीरियल किलर बने क्यों। और जब भाई हर एक क्रिमिनल अपनी अपनी साइकोलॉजी बताता है, तब आप एकदम से शॉक हो जाते हो। एक बार भाई आप ऐसी सीरीज को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो, कई बार आपको थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी। जिस तरह से इस सीरीज को हमारे सामने रखा है, एकदम खतरनाक है भाई। चाहे कास्टिंग और कैरेक्टर की डेवलपमेंट हो या फिर स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग हो, एकदम परफेक्ट। आप देखो नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज, आज तक आपने जितनी भी एनिमेटेड सीरीज देखी होगी, ट्रस्ट मी इसके जैसा एनिमेशन आज तक आपने एक्सपीरियंस ना किया होगा। इनफैक्ट कुछ एपिसोड तो आपको पता ही ना लगने देगी कि आप कोई एनिमेटेड सीरीज देख रहे हो। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से 2019 से टोटल 3 सीजन एनिमेशन शॉर्ट एक्शन के साथ लव डेथ एंड रोबोट्स। अगर आपको शॉर्ट स्टोरी पे सीरीज देखना पसंद है, तो आपको हर एक जॉनर एक ही सीरीज में आपको एक्सपीरियंस कराएगी। हर एक एपिसोड की स्टोरी तो नहीं बता सकते, हर एक एपिसोड में नई स्टोरी, नई कॉन्सेप्ट और नए कैरेक्टर, जो हर एक एपिसोड की स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगी। सीरीज 18+ है, खासकर एक औरत घर से नंगे पुंगे भागती है और आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये एनिमेशन देख रहे हैं। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज पैब्लो एस्कोबार, वो शख्स जो क्राइम दुनिया का बादशाह था, जिनके लिए कानून तक बदला गया था, आज तक इनके जैसा माफिया ड्रग्स लॉर्ड पैदा ना लिया। 90s 80s के दशक में इनका कोकीन का बिजनेस इतना बड़ा था कि आप अंदाजा लगा लीजिए। इनके पैसे को बांधने के लिए हर महीने $2,500, करीबन 2 लाख सिर्फ उस पैसे को बांधने के लिए खर्च हो जाता था। ऐसे इंसान के जीवन पे बनी है ये सीरीज। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से 2015 के टोटल 3 सीजन क्राइम ड्रामा 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ नार्कोस। पैब्लो एस्कोबार 90s 80s के दशक में कैसे सबसे बड़ा ड्रग्स लॉर्ड क्राइम के दुनिया का बादशाह बनता है, आप इस सीरीज में एक्सपीरियंस करो। नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 की सीरीज, अगर आपको हॉरर जॉनरा में कई सारी मूवीज वेब सीरीज देखने के बाद अब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, अब आपको चाहिए कुछ ऐसा जो डराने के साथ साथ दिमाग को भी खोल दे, तो ये नंबर 5 की सीरीज मैच्योर ऑडियंस के लिए। हम बात करें 2018 की माइक फ्लैनेगन, जिन्होंने कई सारी बेस्ट हॉरर मूवी और सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं। नेटफ्लिक्स की तरफ से हॉरर मिस्ट्री के साथ हंटिंग ऑफ हिल हाउस। पहले बता दे भाई, ऐसी सीरीज हर किसी के लिए नहीं। अगर आप मेच्योर ऑडियंस हैं, तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज में से एक होगा। स्टोरी एक फैमिली की है जो दो टाइमलाइन में घूमती है, एक बचपन में और एक प्रेजेंट में। जहां बचपन में दिखाया जाता है उस मिस्टीरियस हिल हाउस में उस फैमिली के साथ कुछ तो अजीबोगरीब हॉरिफाइंग चीजें हो रही हैं, जो प्रेजेंट में इनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं या फिर दिखाई दे रही हैं, जिनका कनेक्शन उस हाउस और इनका पास्ट से है। वो क्या है और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ी पेशेंस रख कर देखिएगा, धीरे धीरे करके आपके दिमाग में घुसेगी ये सीरीज। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज भाई गजब का यार, हर एक एपिसोड में एक नई स्टोरी, और ऐसा वैसा सिंपल स्टोरी नहीं भाई, एक से बढ़कर एक। हमारी फ्यूचर की कॉन्सेप्ट, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2011 की टोटल 6 सीजन साइफाई मिस्ट्री ड्रामा के साथ ब्लैक मिरर। हर एक एपिसोड में एक नई स्टोरी, हर एक एपिसोड में वो साइफाई वाली फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया, हॉस्टेजेस, वो साइफाई दुनिया, एआई वर्जन, पॉप स्टार और ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ एपिसोड के कॉन्सेप्ट भाई तो आपके दिमाग घुमा कर रख देंगे, हमारे नियर फ्यूचर कैसे होने वाला है, हर एक टेक्नोलॉजी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। ऐसी रेयर हिडन जेम सीरीज को आपको एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज स्टार वार की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक, हर एक फैंस के लिए कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं। हम बात करें 2019 की साइफाई एक्शन एडवेंचर सीधा 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ द मैंडलोरियन। ऐसे
ऐसी मास्टरपीस साइफाई सीरीज को मिस किए हैं तो यार अभी जाकर एक्सपीरियंस करो। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज में इतनी ताकत है, आप चाहे इस सीरीज को कितना भी ना पसंद कर लो पर इस सीरीज में इतना दम है कि आपकी पसंद बदल सकती है। और ऐसी सीरीज ना भाई अगर इमोशन से खेल गई ना तो सीधा दिल में जगह बना जाती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में इस सीरीज का भाई एक अलग ही क्रेज है। 2018 से टोटल 5 सीजन ड्रामा कॉमेडी एक्शन के साथ कोबरा काई। सच बात पता है तो भाई मार्शल आर्ट पे बनी सीरीज हमें पसंद नहीं पर इस सीरीज ने हमारी छोटी सोच और हमारी पसंद दोनों बदल कर रख दिया। आप टॉप लेवल की प्लेयर हो और आप फाइनल जीतते जीतते रह जाओ तब आप अपने सपने को किसी और में जीने लगते हो। आप इस सीरीज को देखो और ये सब रिवेंज के साथ फुल स्वैग में और बड़ी बात इमोशनल वे में हमारे सामने रखे तो ऐसी सीरीज सीधा भाई हमारी दिल की इमोशन से कनेक्ट होती है। चाहे इसके कैरेक्टर कितना भी आपको अतरंगी क्यों ना लगे देखते देखते आपको डेफिनेटली अपना बना जाएगी। आप एक बार देखना तो स्टार्ट करो। नेटफ्लिक्स की टॉप लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज भाई जिसके वजह से नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड टॉप पे जा चुकी थी जिसकी हम ऑडियंस के बीच एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। जी हां भाई हम बात करें नेटफ्लिक्स पे उस टाइम पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज 2016 टोटल 4 सीजन फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री के साथ हम सबकी फेवरेट स्ट्रेंजर थिंग्स। ऐसी मास्टरपीस सीरीज की स्टोरी बताने की जरूरत है, बस इतना जान लीजिए साइफाई कॉन्सेप्ट के साथ ऐसी मिस्टीरियस चीजें आज तक आपने एक्सपीरियंस ना की होगी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो इन 3 कारणों की वजह से आप सीधा देख डालो। पहला इसके फ्रेश कॉन्सेप्ट, दूसरा इसके टॉप लेवल की डायरेक्शन और तीसरा भाई इन सब की कैरेक्टर की एक्टिंग उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। यकीन मानो वो 11 की कैरेक्टर आपके दिलों में एक अलग ही जगह बना जाएगी। अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार अभी जाकर देखो। नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज भाई दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सीरीज है तो क्या इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताने की जरूरत है? नहीं भाई, सीरीज का बिना रिव्यू सुने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो जिसके 1 या 2 नए टोटल 8 सीजन रिलीज हो चुकी है। हम बात करें 2011 से एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीधा 9.2 IMDb रेटिंग के साथ गेम ऑफ थ्रोन। ऐसी मास्टरपीस सिनेमेटिक सीरीज को मिस नहीं करते यार। कुछ लोग को लगता है कि सीरीज बहुत ही स्लो है, भाई 1 या 2 सीजन का सीरीज नहीं है, आपको कैरेक्टर को समझाने के लिए समय लेती है और जब आप कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो तो भाई ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है। आप थोड़ी सब्र रख कर तो देखो, सब्र का फल मीठा नहीं बहुत मीठा होता है, यकीन मानो। सीरीज जियो सिनेमा और हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज भाई क्या बताए इस सीरीज के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ की आखिरी वेब सीरीज देखना चाहते हैं तभी इस सीरीज को देखना स्टार्ट करना क्योंकि भाई ये सीरीज आपके दिमाग पे इतनी गहरी इम्पैक्ट छोड़ेगी कि इसके बाद भाई आपको कुछ और भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही सीरीज को बाप ऑफ ऑल शो नहीं कहते। जी हाँ भाई हम बात करें जिसके IMDb रेटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, सीधा 9.5 IMDb रेटिंग के साथ टॉप पे बैठा है 2008 से टोटल 5 सीजन क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ ब्रेकिंग बैड। ऐसी मास्टरपीस सीरीज की रिव्यू तक सुनने की जरूरत नहीं क्या भाई? आप ही सोचो जिसने IMDb रेटिंग पे 2 मिलियन से भी अधिक लोग एवरेज 9.5 IMDb रेटिंग दे रखे हैं तो सीरीज किस लेवल की होगी? बिना एक्सपीरियंस किए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक केमिस्ट्री टीचर जिसे लंग कैंसर है अपनी फैमिली की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक ऐसा ड्रग्स बनाता है जो मार्केट में सबसे टॉप लेवल पे होती है, कैसे इस ड्रग्स की दलदल की दुनिया में फंसता चला जाता है। स्टोरी भाई सिंपल लग रही होगी पर ऐसा बिल्कुल मत समझना, इस लेवल की डायरेक्शन इस लेवल की एक्टिंग के साथ कोई और सीरीज बनी नहीं। धीरे धीरे करके ये सीरीज भाई धीमी जहर की तरह काम करेगी। वो वॉल्टर व्हाइट की कैरेक्टर हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाने वाली है जिसके हिंदी डबिंग मंडे टू फ्राइडे दी कैफे रिलीज की जा रही है, जरूर देखें। तो भाई सिर्फ ऐसी क्वालिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो देखकर आप लोग नहीं करते हुए यार। और आइए इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक के लिए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे जहाँ से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।